रहमान रहीम। मेरे साथ बहन भाइयों दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल औलाद पर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। और आप सब बहन भाइयों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको खैर वफ़ियत से रखें, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आबाद रखें, शाद रखें। आज जी मैं आपको लिए चलता हूँ संजय दत्त, सुनील दत्त का एक गाँव में, जहाँ से हिजरत करके वो इंडिया में गए और यहीं इनका पीछे मतलब बैकग्राउंड यहीं से है। और मैं अगले दिन कर रहा था कुछ दिन पहले गूगल पर सर्च, तो सर्च में मैंने देखा है कि इनका गांव तो हमारे गांव से इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना वहां पर चलूं, आप खुद भी देखूं वो गांव और आपको भी दिखाऊं, जहां पर हमारे लेजेंडरी स्टार संजय दत्त और सुनील दत्त का गांव है। मतलब संजय दत्त तो इंडिया में ही पैदा हुए, सुनील दत्त जो है ना वो इधर ही पैदा हुए और वहां पर ही उन्होंने तलीम हासिल की और वहां से वो आगे गए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी दबा लें। आए चलें चलते हैं। ये मैं रास्ते में इसे गुजर रहा था तो ये एक बहुत प्यारी मस्जिद मुझे मिली है, किसी ने बड़े मोहब्बत से, बड़े शौक से, बड़े प्यार से ये बनवाई है। ये साथ में आप देख सकते हैं कि पानी का कुआं भी बना हुआ है, लेकिन ये है आर्टिफिशियल। मैंने आकर देखा है तो आपको भी दिखाता हूँ, ये कुआं है, इसके ऊपर वो बना हुआ है पानी का डोर सीमेंट का है और नीचे जो है ना ये कुएं में कोई चीज नहीं है। यहाँ पर मदनी मस्जिद है ये, और इस तरह महसूस हो रहा है कि ये सारा लकड़ का काम हुआ है और पत्थर है, लेकिन ये देखते हैं कि ये क्या चीज है। ये वाकई लकड़ है और ये पत्थर ही है। अभी मस्जिद जो है ना वो बंद है, ऐसा कुताला लगा हुआ है, वरना मैं अंदर भी जाकर आपको दिखाता। बड़े शौक से, बड़ी मोहब्बत से ये बनाई गई है। ये पीछे देखें फूल पौधे भी उन्होंने लगाए हुए हैं। रात को ये मजीद खूबसूरत हो जाती होगी जब इसकी लाइटें ऑन करते होंगे। चलें हम आगे बढ़ते हैं। सुनील दत्त ज़िला झेलम के एक छोटे से गांव नक्का खुर्द में पैदा हुए, ये 1925-26 की बात है। ये मेरे जो उनकी तारीख पैदाइश है उसके मुताबिक 6 तारीख थी और 6 जनवरी और 1926। तो जब वो 5 साल के हुए तो उस वक्त उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। सुनील दत्त जो है उनका जो पैदाइशी नाम था वो था बलराज दत्त। तो जब वो 15-18 साल की उम्र के हुए तो पार्टीशन का भी आगाज़ हो गया और दंगे फसाद भी शुरू हो गए। तो एक उनके एक दोस्त थे, मुसलमान दोस्त, यकूब, मोहम्मद यकूब उनका नाम था, जिन्होंने उन्हें यहाँ से बासेफ निकाला और उन्हें यमुना के किनारे पहुँचा कर आ गए। तो वहाँ पर उन्होंने अपना पहले आबाद रहे, फिर वहाँ पर कोशिश की अपनी ज़िंदगी गुजारने की, उसके बाद वो वहाँ से आगे चले गए। तो आए गांव में चलते हैं, देखते हैं किस तरह का हमें मिलता है कोई उनका अता पता नाम। अगर आप इस के बारे में सर्च करना चाहें तो विकिपीडिया पर कर सकते हैं। विकिपीडिया पर ही मुझे पता चला था कि वो ज़िला झेलम के गाँव नक्की खुर्द में, नक्का खुर्द में उनका गाँव है। तो मैंने भी अगर मैंने गूगल से जब गूगल मैप से सर्च किया है तो 67 किलोमीटर मुझसे बना है। तो मैंने अपने सफ़र का इरादा किया है कि मैं चलता हूँ।
So press this bell icon. ये जी है इस वक्त मैं खड़ा हुआ यूनियन काउंसिल नक्का खुर्द में, ये लिखा हुआ है नक्का खुर्द, और ये एक छोटी सी मस्जिद है पास। ये है गांव संजय दत्त के वालद सुनील दत्त का, ये गांव है, छोटा सा गांव है, अभी ज़्यादा घराने भी नहीं है। साथ ये आगे एक छोटी सी मस्जिद है, ये मेन रोड है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, और आपको मस्जिद भी दिखा दूँ। ये छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, नक्का खुर्द में, और ये जगह पैदाइश की जगह है सुनील दत्त की, जो संजय दत्त के वालिद हैं, एक लेजेंडरी अदाकार हैं। और ये जगह तहसील ज़िला जिरम में है, यहाँ से ये जगह काफ़ी बैकवर्ड है, काफ़ी सफ़र करना पड़ा है मुझे मंडी बावलदीन से जेलम आकर, और वहाँ से ये छोटे छोटे रास्ते लेता हुआ मैं इस साइड पर आया हूँ। बहुत मुश्किलात थी, रास्ता भी जो है ना वो टूटा फूटा था, और जिस ज़माने में संजय दत्त के वालद सुनील दत्त यहाँ रहे होंगे उस वक़्त की, अब यहाँ पर कोई निशानी नहीं है, क्योंकि 1926 के लगभग वो यहाँ से, मतलब उनकी तारीख पैदाइश है, और जल्दी वो 18 साल की उम्र में यहाँ से चले गए थे। तो ज़ाहरी बात है कितना अरसा हो गया होगा, तकरीबन अभी तो 100 साल होने वाला है, और 100 साल में यहाँ की हर चीज़ तकरीबन बदल चुकी है। वो लोग नहीं रहे, वो जगह नहीं रही, वो मतलब निशानियाँ नहीं रही, क्योंकि पुराने वक्तों की जो सारी निशानियाँ थी, जो घर थे, वो सारे अब टूट टूट चुके हैं, लोगों ने उनकी जगह नए घर बना लिए हैं, सारियाँ निशानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। मैं यहाँ से आया हूँ मंडी बावलदीन से रसूल बराज पर, ये रोड आगे जाता है जेलम की तरफ, जेलम और मंडी बावलदीन के रास्ते में आता है एक गांव जिसका नाम है दारापुर। दारापुर से इधर ये रोड निकलती है, जिस पर ये आगे तकरीबन 15 किलोमीटर आगे है ये नक्का खुर्द, और पीछे नक्का कला है। यहाँ के पर नक्का कलां के काफ़ी आर्मी जर्नल्स मशहूर हैं। यहाँ पर पीछे एक जनरल आसफ नवाज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के रहे हैं, उनकी कब्र भी है वहाँ पर भी, अभी मैं आपको लिए चलूँगा। ये मेरे सामने जो आपको वो पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, वो दूर जूम किया मैंने अभी, ये जगह है जो टीला जोगियाँ है, बहुत मशहूर जगह है, जहाँ पर हिंदू सिख मुस्लिम जो जोगी हुआ करते थे वो जाकर अपने तरीके से अपनी इबादतें किया करते थे, और वहाँ पर उनके काफ़ी निशानियाँ भी हैं। मैं अभी यहाँ से उस साइड पर जा नहीं सकता, क्योंकि तकरीबन यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में 2-3 किलोमीटर का पैदल सफ़र है, मोटरसाइकिल उस साइड पर नहीं जाती। अगर मोटरसाइकिल जाती होती तो मैं आपको वो जगह ज़रूर दिखाता। ये सब्ज़ पानी का एक छोटी सी झील बनी हुई है, पानी बिल्कुल सब्ज़ है यहाँ पर, और बड़ी खूबसूरत वैसे तो ये जगह है। ये है नक्की खुर्द, यहाँ पर संजय दत्त के वालद सुनील दत्त के गाँव की वजह से ये नाम मशहूर है, और
आप में से अगर कोई देखना चाहे तो गूगल पर सुनील दत्त का गांव आप सर्च कर सकते हैं।